वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो लगभग एक घंटे की जाएगी, है ना, और इस एक घंटे में मैं आपको क्या क्या सिखा दूंगी, आप यहाँ से क्या क्या सीख कर जाओगे ये मैं बताती हूँ। यहाँ से आप लोग एटलीस्ट कम से कम 55 वोकैब, है ना, याद करके जाओगे। क्या मैं बोल रही हूँ? याद करके जाओगे, है ना। दोबारा से याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यहाँ से याद करके जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद एडिटोरियल पढ़ने का तरीका सीखोगे, बहुत सारे हम लोग ग्रामर के नियम करेंगे। और तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो कोशिश करना कि प्लीज़ इसे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर करना। मैं इस एडिटोरियल में बहुत ही अधिक एफर्ट्स लगाने वाली हूँ, तो उतने ही एफर्ट से आप लोग भी क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, तो पूछते हैं दीदी मैं कौन सा मॉक टेस्ट बाय करूं। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूं चीप एंड बेस्ट, यानी कि सस्ता और बढ़िया। 360 रुपये में आपको टेस्ट बुक जो है ना पूरे साल के लिए पास प्रोवाइड करता है, मात्र 360 रुपये में। इसमें बहुत सारे क्विजेज रहते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट रहते हैं, बहुत सारे सेक्शनल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बिगनर के लिए इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। 360 रुपये साल भर के लिए कोई ज़्यादा नहीं होता है, 1 रुपये से भी तुमको कम में पड़ेगा, है ना, पर डे का। तो 1 रुपये से कम में भी तुमको बहुत सारे मॉक टेस्ट, SBI PO, SBI कलर, RRB PO, RRB कलर, सब कुछ मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दीदी मैं फाइनेंशियल कमज़ोर हूँ, तो यहाँ पे तुम लोग इन्वेस्ट करो। बाकी फ्री की मॉक टेस्ट, फ्री की PDF मैं आप लोगों को समय समय पर प्रोवाइड तो कराती ही रहती हूँ, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा अभी ऑफर चल रहा है, ये सारा आप लोग देख लेना, और इसका फ्री वाला जो है ना क्विजेज और मॉक टेस्ट उसको भी देख लेना कि लेवल कैसा होता है, उसके बाद ही अपना डिसाइड करना कि परचेज करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब चलो अपना चलते हैं एडिटोरियल के। एडिटोरियल आज का क्या है? फॉल्स इक्विवेलेंस। देखो फॉल्स मतलब क्या होता है? झूठा। और इक्विवेलेंस मतलब होता है समान, यानी कि झूठ के समान। इक्विवेलेंस मतलब इक्वल मतलब होता है ना समान, तो इक्वल से बना क्या अपना इक्विवेलेंस, ठीक है। तो झूठ के समान, तो कैसा झूठ के समान? ऑन प्रोफेट रिमार्क्स, यानी कि प्रोफेट मतलब क्या होता है? पैगंबर, ठीक है, पैगंबर। तो उन्होंने क्या किया था? रिमार्क्स दिया था। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी, है ना, कुछ बोला होगा किसी के बारे में। तो झूठ के समान क्या है कि भैया पैगंबर ने क्या किया था? एक टिप्पणी दी थी और दिल्ली पुलिस ने क्या किया था? FIR दर्ज किया था। तो क्या है पूरा मामला, हम आगे समझेंगे। फिलहाल तो हमें ये समझ में आया कि रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी और इक्विवेलेंस मतलब होता है समान। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्या है? इक्विवेलेंस यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और फॉल्स यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि इक्विवेलेंस समान है, तो समान क्या है? फॉल्स है, झूठा है। और नाउन को कौन जस्टिफाई करता है? हमेशा एडजेक्टिव ही करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ओमनीबस प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसिव रिमार्क्स विल मेक द ओरिजिनल ऑफेंस डिफिकल्ट टू प्रोसिक्यूट, ठीक ठीक है। तो ओमनीबस मतलब क्या होता है? ये देखो, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट अपना वोकैब है। इसका मतलब होता है सर्वत्र, जो सब जगह पाया जाता हो, है ना, सब सर्वत्र। कैसे लिखते हैं? सर्वत्र ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तुम लोग समझ जाना। तो सर्वत्र यानी कि सब जगह पाया जाता है। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? सजा देना, है ना, सजा देना, या फिर उसको अपराध घोषित करना, उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना, है ना, लीगल एक्शन यानी कि वैध एक्शन लेना प्रोसिक्यूशन मतलब होता है। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब क्या होता है? अपमानजनक। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है? अपमानजनक। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। ऑफेंस मतलब होता है अपराध। और प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाना, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा? वो कैब, हमने वो कैब सीखा, पीछे से स्टार्ट करते हैं। प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा दर्ज करना, मुकदमा चलाना किसी के अगेंस्ट में, अपराधी के अगेंस्ट में, प्रोसिक्यूट मतलब हो गया। ऑफेंस मतलब हो गया अपना अपराध, ठीक है, ऑफेंस, है ना। कोई बोलता है ना कि तुम, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है, यानी कि ये बहुत बड़ा क्या है? अपराध है, ठीक है। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है? अपमानजनक होता है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? अपना वही लीगल एक्शन लेना किसी के खिलाफ में। और ओमनीबस मतलब क्या होता है? अपना सर्वत्र, यानी कि सब जगह। और रिमार्क्स तो हमने याद किया ही था, यानी कि छः हमने अभी तक वो कैब याद कर लिया, ठीक है।
अब ये बताओ कौन कौन से वोकैब याद किए। रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। ओमनीबस, ओमनीबस मतलब होता है सर्वत्र। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है उसको सजा दिलाना, लीगल एक्शन लेना। ऑफेंसिव मतलब होता है अपमानजनक। ऑफेंस मतलब होता है अपराध। और प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा दर्ज करना। ठीक है, ये हमने 6 सीख लिए। द इन्वेस्टिगेशन, अब देखो इन्वेस्टिगेशन क्या है, अपना आर्टिकल द आ गया तो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी क्या हो गया, नाउन हो गया क्योंकि आर्टिकल द लग गया। ठीक है, तो एक जांच पड़ताल हुई, किसके द्वारा ही तो जांच पड़ताल होगी ना, तो बाई होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बाई, इसके इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई भी और प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, है ना, कि किसी के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ओके, बाय द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। अब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो किसी ना किसी के अगेंस्ट में ही करेगा ना, तो ये लगा अपना क्या अगेंस्ट, है ना, कि द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट। ओके, किसके द्वारा किया गया, द्वारा के लिए बाई लगा, और अगेंस्ट मतलब किसी के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन किया गया। 30 पीपुल, पीपुल हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, हमेशा ये क्या होता है, प्लूरल होता है। तो 30 लोगों के अगेंस्ट में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन किया गया। किसके द्वारा किया गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। फॉर रिमार्क्स किसके लिए किया गया, टिप्पणी के लिए किया गया, के लिए यहाँ पे फॉर्म आ गया। एलिजली, एलिजली मतलब क्या होता है, देखो इसका क्या होता है, एलिजली, ठीक है, एलिजली इसका मतलब होता है कथित तौर पर, है ना, कथित तौर पर, कथित तौर पर। ओके, तो कथित तौर पर हर्टिंग, है ना, ऐसा बताया गया कि उसने क्या किया, उस रिमार्क्स ने हर्ट किया, यानी कि दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाया, है ना, तो उस टिप्पणी ने क्या पहुंचाया, चोट पहुंचाया। रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यानी कि जो धार्मिक जो भावनाएं होती है ना, सेंटिमेंट्स मतलब भावनाओं, भावनाएं, है ना, तो जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भावनाएं है ना, उसको क्या पहुंचाया, उस टिप्पणी ने क्या पहुंचाया, हर्ट किया, है ना, दुख पहुंचाया। अब इज अन नेसेसरी अटेम्प्ट टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल बैलेंस बिटवीन द स्पेसिफिक इंस्टेंसेज ऑफ कंट्रोवर्सियस व्यूज बींग एक्सप्रेस रिसेंटली ऑन द प्रोफेट एंड द अनरिलेटेड ओपिनियंस एक्सप्रेस ऑनलाइन बाई अदर्स इन रिसेंट टाइम्स। देखो बहुत ही बड़ा सेंटेंस, लेकिन हम इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे तोड़ तोड़ के, क्या कह रहे हैं। अब देखो ये जो द इन्वेस्टिगेशन आया, नाउन हमारा आया, नाउन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो जब सब्जेक्ट आया तो कहीं ना कहीं इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। देखो एरर डिटेक्शन कैसे काम करता है, ओके, सीखो, जब तुम्हारा नाउन आ गया तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इन्वेस्टिगेशन तो हो ही गया कि अपना नाउन मेन सब्जेक्ट हो गया, कि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया, 30 लोगों के अगेंस्ट में किया गया, जिसने क्या किया था, रिमार्क्स टिप्पणी दी थी, जिसने क्या किया, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाई। इज यहाँ पे इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये क्या है, एक अननेसेसरी अटेम्प्ट है ना, एक ऐसा अटेम्प्ट है जो जरूरी ही नहीं था, अननेसेसरी मतलब जरूरी नहीं था, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन था ना वो जरूरी ही नहीं था, तो टू क्रिएट एंड, और इसको क्यों किया गया, एक बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, क्रिएट मतलब होता है बनाना, एंड आर्टिफिशियल बैलेंस, आर्टिफिशियल मतलब होता है अपना बनावटी, आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, दिखावटी, और बैलेंस मतलब क्या होता है अपना संतुलन, बैलेंस मतलब क्या होता है, आप बोलते हो ना बैलेंस बनाओ, यानी कि अपना संतुलन बनाओ, ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी ना, ये अननेसेसरी थी, और ये इसका जो मकसद था ना, कि ये चाहती थी इस इन्वेस्टिगेशन को इसलिए किया गया ताकि एक आर्टिफिशियल बनावटी क्या किया जाए, बैलेंस बनाया जा सके, बिटवीन किसके किसके बीच में, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, ठीक है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, तो जो बैलेंस है, जो बनावटी बैलेंस है, है ना, जो बनावटी संतुलन है, वो आखिरकार किसके किसके बीच में बनाने की कोशिश की गई, बिटवीन द स्पेसिफिक इंस्टांसेज, इंस्टांस मतलब होता है उदाहरण, है ना, कि भैया कोई ऐसा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब होता है कोई ऐसा पार्टिकुलर, है ना, जैसे कि आपके घर में 10 चीज़ें होती है, 10 चीज़ों में से आपका क्या हो गया, एक चीज़ें याद हो जाती हैं आपको, है ना, कि ये घटना मेरे साथ हुई थी, तो वही है स्पेसिफिक उदाहरण जो होते हैं ना उसके बीच में, और ऑफ कंट्रोवर्शियल व्यूज़, यानी कि देखो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल व्यूज़ होते हैं, है ना, उनमें से कोई स्पेसिफिक उदाहरण को उठा लिया गया, है ना, व्यूज बींग एक्सप्रेस रिसेंटली ऑन द प्रोफेट, ऑन द प्रोफेट, है ना, तो जो रिसेंटली व्यूज अपने, देखो फिर से समझते हैं क्या हुआ,
कि आर्टिफिशियल बैलेंस बनाने की कोशिश की गई किसके किसके बीच में, कि जो स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ कंट्रोवर्शियल व्यूज बीइंग एक्सप्रेस रिसेंटली ऑन द प्रोफिट, यानी कि जो पैगंबर हैं उनके ऊपर क्या हुआ था, कंट्रोवर्शियल व्यूज दिए गए थे, है ना। तो ये जो व्यूज है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, मान लो प्रोफिट के ऊपर कुछ बोला गया होगा, तो ऐसा तो नहीं कि सब लोग ऐसा ही बोलते होंगे, किसी पार्टिकुलर पर्सन ने कुछ बोल दिया होगा, यानी कि क्या है, ये स्पेसिफिक इंस्टांस है, यानी कि क्या है, ये एक ऐसा उदाहरण है जो कभी कभार देखने को मिलता है। तो इस उदाहरण को और अनरिलेटेड ओपिनियंस एक्सप्रेस ऑनलाइन बाई अदर्स इन रिसेंट टाइम, और एक ऐसा ओपिनियंस मतलब अपना क्या होता है, दृष्टिकोण, आपकी कोई बातें, जो बातें यहाँ पे बोली जाती हैं ऑनलाइन बोली जाती है, यानी कि फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो इन रिसेंट टाइम यानी कि हाल फिलहाल के दिनों में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इनके बीच में, और प्रॉफिट के ऊपर जो कंट्रोवर्शियल व्यूज़ बनाए गए हैं उनके बीच में क्या किया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन हम लोग समझेंगे। देखो बिटवीन आया ना, बिटवीन के बाद यहाँ पे क्या आया, देखो मैंने बोला था ना एंड आएगा, बींग ऑन द प्रॉफिट एंड, ये आया, ठीक है। इसके बाद एक आया था रिसेंटली, है ना, एक्सप्रेस्ड रिसेंटली, देखो एक्सप्रेस्ड अपना क्या है, भीतरी है, और रिसेंटली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ें एक्सप्रेस की गई, कोई चीज़ें बताई गई, तो कार्य हो रहा है ना, यानी कि एक्शन दिखाया जा रहा है, तो वो एक्शन कैसा है, हाल फिलहाल का एक्शन है, तो वो क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया, कोई ऐसा एक्शन जो हाल फिलहाल हो, या फिर देखो क्या होता है कि वर्ब को क्या डिफाइन करता है, जैसे अपना यहाँ पे एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस के लिए क्या लगा यहाँ पे, रिसेंटली, यानी कि ये वर्ब क्या हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है, यानी कि बता रहा है ना कि वर्ब का कैसा नेचर है, तो वही नेचर जो बताता है ना, वो अपना क्या होता है, अपना एडवर्ब हो जाता है, ठीक है। हमने क्या क्या अपना वोकैब सीखा है, एक बार हम उसे रिविजन करते हैं। फॉल्स मतलब झूठा, इक्विवेलेंस मतलब बराबर, प्रॉफिट मतलब पैगंबर, रिमार्क्स मतलब टिप्पणी, प्रोसिक्यूट मतलब मुकदमा दायर करना, मुकदमा चलाना, ऑफेंस मतलब अपराध, ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक, ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है, लीगल एक्शन लेना, और ओमनीबस ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना, ओमनीबस मतलब होता है हर जगह, ठीक है। इसके बाद हमने क्या याद किया था, एलिजली मतलब होता है कथित तौर पे, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, अपना बनावटी, और बैलेंस मतलब होता है अपना संतुलन, सेंटिमेंट्स मतलब होता है अपना भावनाएं। तो हमने बहुत सारे अभी तक वर्ड मीनिंग्स याद कर लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द बीजेपी, अब यहाँ पे फिर से बीजेपी आया, आर्टिकल द आया, तो ये अपना नाउन हो गया, और ये कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, और यहाँ पे भीतरी लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हैज है, और हैज हैव के साथ हमेशा क्या होता है, भीतरी ही लगता है। तो बीजेपी ने क्या किया, एक्टेड, उसने एक्ट किया, ठीक है, एक्शन लिया अगेंस्ट द स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन मतलब अपना होता है प्रवक्ता, है ना, या फिर अपना एक और हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हो, लेकिन हिंदी मतलब इसका होता है प्रवक्ता, ठीक है। तो उन्होंने, जो बीजेपी ने है, उसने एक्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट इट्स किसके लिए आया, बीजेपी के लिए आया, क्यों, क्योंकि बीजेपी ना तो मेल है ना तो फीमेल है, तो अपने स्पोक्स पर्सन के अगेंस्ट में उसने क्या किया, एक्ट किया, यानी कि कुछ एक्शन लिया, है ना। तो इट्स किसके लिए आया, बीजेपी के लिए आया, ठीक है। तो जब भी इट्स आए, हीज आए, हर आए ना, तो देख लिया करो कि आखिरकार किसके लिए आया। तो इट्स जब भी आएगा ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मोस्टली आता है, ओके। तो क्या हुआ कि बीजेपी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट इट्स एक्सपोज स्पोक पर्सन, यानी कि अपने प्रवक्ता के अगेंस्ट में इसने कुछ लिया। कौन है उनकी प्रवक्ता, नूपुर शर्मा एंड दिल्ली मीडिया यूनिट हेड नवीन जिंदल, और किसके अगेंस्ट में, एक तो अपने प्रवक्ता नूपुर शर्मा के अगेंस्ट में, और एक दिल्ली की मीडिया यूनिट, दिल्ली का मीडिया यूनिट की जो हेड थी यानी कि प्रमुख, नवीन जिंदल के अगेंस्ट में उसने क्या किया, एक्ट किया, किसने, बीजेपी ने। फॉलोइंग मतलब क्या होता है, के बाद, है ना। तो आखिर बीजेपी ने एक्ट कैसे किया, एक्शन कब लिया, तो किसके बाद लिया, ग्लोबल आउटरेज, आउटरेज मतलब होता है हल्ला गुल्ला, है ना, जब पूरे ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ कि आउटरेज हो गया, हल्ला गुल्ला होने लगा, बहुत ज़्यादा क्रोश होने लगा, ठीक है, आक्रोश भी इसको बोलो,
कि आक्रोश होने लगा पूरा ग्लोबली अमंग किसके बीच में, मुस्लिम्स के बीच में क्या हुआ, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ कि भैया प्रॉफिट के बारे में कुछ हमारे बोला गया है। ओवर देयर रिमार्क्स ऑन इस्लाम, यानी कि देयर यहाँ पे किसके लिए लगा है, देयर बताओ किसके लिए लगा है, मुझे बताओ किसके लिए लगा है, देखो ठीक है बीजेपी के लिए तो इट्स लग गया। अब यहाँ पे एक तो स्पोक्स पर्सन के अगेंस्ट में उसने काम किया और दूसरा नवीन जिंदल के अगेंस्ट में उसने क्या किया, काम किया, एक्ट किया, तो इन्हीं दोनों के लिए क्या लगा है, देयर, यानी कि इन दोनों ने टिप्पणी दी थी किसके ऊपर, इस्लाम के ऊपर। ओके समझे चीज़ों को, अच्छा नहीं समझा फिर से समझाते हैं क्या हुआ, ठीक है समझो चीज़ों को समझते हैं कि बीजेपी ने जो है एक्ट किया ठीक है किसके अगेंस्ट में, उसका जो प्रवक्ता है ना नुपुर शर्मा और दिल्ली मीडिया यूनिट के जो हेड है ना नवीन जिंदल, इसके अगेंस्ट में क्या किया, एक्शन लिया। किसके बाद जब ग्लोबल आक्रोश हुआ यानी कि पूरे वर्ल्ड में जब आक्रोश हो गया ना मुस्लिम्स के बीच में किसके ऊपर, किस चीज़ कौन से बात को लेकर, कि उन्होंने क्या किया था, देयर उनके देयर मतलब होता है उनके टिप्पणी के ऊपर जब क्या हुआ मुस्लिम ने क्या किया आक्रोश दिखाया तब बीजेपी ने ये काम किया। तो समझ में आया यहाँ पे देयर रिमार्क्स मतलब क्या हुआ, उनका टिप्पणी, तो उनका किनका, नूपुर का और नवीन जिंदाल का, ठीक है समझ में आया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, देयर इज लिटिल डाउट, अब क्या है कि बहुत ही कम संभावना है ना, मतलब हम डाउट नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों को, डैट कि देयर रिमार्क्स अब उनकी जो टिप्पणियाँ हैं केम एज वो कब आई एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग रनिंग ट्रेंड अमंग बीजेपी फंक्शनरीज, क्या कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, डाउट मतलब आप बोलो शक है ना, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि उनकी जो टिप्पणी आई वो कब आई कि भैया एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा जो पार्ट है किस चीज़ का, कि लंबे समय से एक ट्रेंड चली आ रही है किसमें, अमंग बीजेपी फंक्शनरीज, फंक्शनरीज मतलब होता है कार्यकर्ता है ना, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना उनके बीच में एक बहुत बड़ी ट्रेंड चली आ रही है, उसी ट्रेंड को लेकर उसी ट्रेंड के बाद ऐसा रिमार्क्स सुनने को आया, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं, बीजेपी फंक्शनरीज एंड सेवरल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो सेवरल लग गया ना तो यहाँ पे नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये नाउन कैसा है, हिंदू का है ठीक है। तो क्या कर रहा है कि बहुत सारे हिंदू के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना उन्होंने भी एक लॉन्ग रनिंग ट्रेंड यानी कि एक ऐसा ट्रेंड चला रखा है जो लंबे समय तक चलता आ रहा है, अब ये ट्रेंड कैसा है हम आगे पढ़ेंगे। तो टू विलीफाई माइनॉरिटीज, अब विलीफाई गाली देना, नीचा दिखाना, विलीफाई मतलब होता है गाली देना या फिर नीचा दिखाना ठीक है, नीचा दिखाना, और माइनॉरिटीज मतलब होता है जिनकी संख्या, जिस भी कम्युनिटी की संख्याएं कम होती है ना उनको माइनॉरिटीज की दर्जा दिया जाता है। तो क्या कह रहा है कि भैया इसमें कोई शक नहीं है ठीक है कि उनका जो टिप्पणी आया है वो कब आया, कि एक बहुत बड़ी ट्रेंड चलाई जा रही है जो लंबे समय से चल रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। अब यहाँ पे अमंग इसलिए लगा क्योंकि फंक्शनरीज यानी कि कार्यकर्ता जो होंगे ना एक से ज़्यादा होंगे, दो से भी ज़्यादा होंगे, तीन से भी ज़्यादा होंगे, यानी कि कार्यकर्ता तो बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, अमंग लगा। तो उनके बीच में और सेवरल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ना एक बहुत बड़ी लॉन्ग रनिंग ट्रेंड चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज है ना उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ट्रेंड चला रहा है, स्पेशली जो माइनॉरिटी है ना वो कौन सी माइनॉरिटी, मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, एंड फ्यू और कुछ, अब जब यहाँ पे फ्यू आ गया ना तो फ्यू के बाद देखना फिर से अपना कुछ ना कुछ प्लूरल आएगा, कहाँ गया फ्यू, हाँ एंड फ्यू वुड क्वेश्चन, यानी कि कुछ लोग, यानी कि फ्यू यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है, और कुछ लोग सवाल उठाएंगे एनी लॉफुल अगेंस्ट देम, यानी कि एंड फ्यू वुड क्वेश्चन, और उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो क्या करेंगे, सवाल उठाएंगे कि भैया उनके अगेंस्ट में क्या करो, एक्शन लो। देखो क्या कर रहा है कि भैया एक तो तुम बहुत दिनों से ऐसा करते आ रहे हो, स्पेशली मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हो ये सारे कार्यकर्ता है और हिंदू, सेवरल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया है, किसी की माइनॉरिटीज़ को नीचा दिखाने की कोशिश की है तो तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ऐसा कहना का मतलब है यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं,
द दिल्ली पुलिस हैव चूजन टू रजिस्टर, जो दिल्ली पुलिस है ना उसने चूज किया है, क्या चूज किया है कि उसने रजिस्टर किया है, क्या रजिस्टर किया है, FIR रजिस्टर किए हैं। अब देखो यहाँ पे FIR आज है, FIRS है, यानी कि मोर देन एक FIR की बात हो रही है, तो FIR दर्ज हुए हैं। अब यहीं पे तुम्हारा एरर डिटेक्शन आ जाता, अगर यहाँ पे FIR हो जाता ना तो वो गलत हो जाता, क्योंकि दो लोगों के खिलाफ में FIR हुए हैं, तो अलग अलग FIR हुए होंगे, तो रजिस्टर हुआ है एक तो मिस्टर जिंदल के खिलाफ में और एक मिसेज शर्मा के खिलाफ में, बट ऑल्सो एडेड, लेकिन क्या हुआ कि उसमें और भी जोड़ा गया है 30 अदर सोशल मीडिया यूजर, यानी कि 30 लोगों को और भी उसमें ऐड किया गया है इस FIR के अंदर, जिसमें क्या है कि वो 30 लोग क्या है ना कि सोशल मीडिया के क्या है यूजर्स हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, अभी तक हमें कुछ वोकैब नहीं मिला, तो हम लोग ऊपर वाला ही एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि हमें याद हुआ कि नहीं, हमारे पास अभी वो है कि नहीं। देखो, विलीफाई मतलब गाली देना, नीचा दिखाना, और ट्रज मतलब होता है आक्रोश, हल्ला गुलाम। ठीक है, विलीफाई मतलब होता है गाली देना, नीचा दिखाना, आउटरेज मतलब होता है गुस्सा, आक्रोश। ठीक है, फंक्शनरीज मतलब होता है कार्यकर्ता, फॉलोइंग मतलब होता है के बाद, स्पोक्सपर्सन मतलब होता है प्रवक्ता, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, बैलेंस मतलब होता है संतुलन, एलिजली मतलब होता है कथित तौर पे। ठीक है, सेंटिमेंट्स मतलब होता है भावनाएं, इक्विवेलेंस मतलब होता है बराबर, रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी, ऑफेंस मतलब होता है अपराध, प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा दायर करना, ऑफेंसिव मतलब होता है अपमानजनक, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है अपना कि लीगल एक्शन लेना, और ओमनीबस मतलब होता है सर्वत। तो हमने कितना याद किया, एक इक्विवेलेंस बताते चलना, हिंदी बताते चलना। ठीक है, इक्विवेलेंस ये रिमार्क्स दो, इसके बाद हमने क्या याद किया, सेंटीमेंट्स तीन। ठीक है, तुम लोग हिंदी बताओ, मैं बस गिन रही हूँ, तुम लोग हिंदी बताओ। ठीक है, इसके बाद हो गया ओमनीबस, हमने क्या किया, अच्छा फिर से करते हैं। ठीक है, एक इक्विवेलेंस, ठीक है, एक हमने याद किया इक्विवेलेंस, बताओ हिंदी, ये हमने दो, ठीक है, ये हमने किया तीन, तुम लोग हिंदी बोलते चलो, ऑफेंस चार, ऑफेंसिव पाँच, हिंदी बोलते चलो, प्रोसिक्यूट छः, ओमनीबस सात, हिंदी बोल रहे हो ना, ठीक है ठीक है, याद हो गया है, ये हो गया अपना आठ, सॉरी ये तो नहीं था ना, ये हो गया अपना आठ। ठीक है, ये हो गया अपना नौ, ये हो गया अपना दस, ये हो गया अपना ग्यारह, ये हो गया अपना बारह, ये हो गया अपना तेरह, हिंदी बोलते जाओ, ये हो गया चौदह, ये हो गया अपना पंद्रह, इसके बाद अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना सोलह, और ये हो गया अपना सत्रह। अब बताओ सत्रह में से कितना याद हुआ, पॉज करके जल्दी नीचे लिखो, सत्रह में से सत्रह याद होना चाहिए, पॉज करो और कमेंट करो। ठीक है, अब आ गया है, अब यहाँ पे देखो 30 लिखा है ना, तो यहाँ पे यूज़र्स हुआ। ठीक है, इस वजह से यूजर्स हुआ कि यहाँ पे हम लोग 30 लोगों की बात कर रहे हैं। देयर मे बी अ जस्टिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस अगेंस्ट एनी वन इफ देयर अपियर्स टू बी अ डिलिबरेट अटेम्प्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स और इनसाइटिंग इल विल। क्या कह रहा है, सबसे पहले हिंदी समझते हैं, जस्टिफिकेशन मतलब होता है वजह, है ना, कोई तार्किक वजह, कोई अच्छी वजह, कोई तर्क, है ना, तर्क ही सीधे याद करो, जस्टिफिकेशन मतलब होता है तर्क। ठीक है, इसके बाद है अपना डिलिबरेट, डिलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, है ना, जानबूझकर करना। इसके बाद होता है आउटरेज, आउटरेज मतलब हमने पढ़ा ही था कि आउटरेज मतलब क्या होता है। इसके बाद अपना क्या है, इनसाइट, इनसाइट मतलब होता है भड़काना, भड़काना। ठीक है, और इल विल मतलब होता है कि मतलब गलत भावना से, है ना, गलत भावना। ठीक है, ओके, तो हमने याद किया। तो क्या कह रहा है कि एक तर्क हो सकता है, देयर में भी जस्टिफिकेशन हो सकता है कि कोई तर्क हो फॉर द रजिस्ट्रेशन, यानी कि ऑफ केस अगेंस्ट एनीवन, यानी कि किसी के अगेंस्ट में भी केस अगर दर्ज किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ तर्क हो सकता है। इफ़ देयर अपियर्स टू बी डिलिबरेट अटेम्प्ट, यदि क्या होता है कि मालूम पड़ता है कि ये क्या हुआ है, जानबूझकर किया गया है, सोच समझ कर किया गया है, क्यों, क्योंकि आउटरेज करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए। यहाँ पे जो आउटरेज है ना, देखो आउटरेज, यहाँ पे जो आउटरेज यूज हुआ था उसका मतलब था आक्रोश। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटरेज है ना इसका मतलब है उल्लंघन। चीज़ों को समझो, एक वर्ड और दो मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि सोच समझकर, जानबूझकर अटेम्प्ट किया जा रहा हो
ताकि उल्लंघन किया जा सके। किस चीज़ को उल्लंघन किया जा सकते हैं, जो धार्मिक फीलिंग है ना उसको उल्लंघन किया जा सकते हो सके, उसको ठेस पहुंचाया जा सके, ऐसा सोचा समझा साजिश मालूम पड़ता है। और क्या मालूम पड़ता है कि भड़काया जाए, क्या भड़काया जाए, इल विल यानी कि गलत भावनाओं को भड़काने के लिए भी ऐसा किया जा रहा हो। हाउएवर हालांकि रजिस्टरिंग एंड ओमनिवर्स FIR यानी कि हालांकि हम जब क्या करते हैं रजिस्टर करते हैं ओमनिवर्स, ओमनिवर्स मतलब सबके खिलाफ है ना, यानी कि बिना सोचे समझे किसी के खिलाफ अगर हम क्या करते हैं सर्वत्र यानी कि सब जगह हम अगर FIR दर्ज करने लगे, डैट कवर्स प्रिस्ट जो कि जिसके उस FIR के अंदर कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन आए हैं कि साधु यति नरसिंहानंद वो आए हैं, जर्नलिस्ट सबा नकवी वो आई हैं, AIMM चीफ असादुद्दीन ओवैसी जी आए हैं, एंड हिंदू के महासभा एक्टिविस्ट पूजा शकुन पांडे एंड अदर्स एंड एट वन गो डिफाइज लॉजिक। क्या कर रहा है, पहले ये देखो डिफाई मतलब होता है अवहेलना करना, यानी कि चीज़ों को क्या करना, अनादर करना, क्या करना, अनादर करना, नहीं मानना, ठीक है, अवहेलना करना, ओके। क्या कह रहा है कि देखो हो सकता है कि हम तर्क दें कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है केस में कि वो इसलिए किया है कि जानबूझकर अटेम्प्ट किया जा रहा है रिलीजियस जो धार्मिक भावनाएं है ना उसको ठेस पहुंचाने के लिए या उकसाने के लिए गलत भावनाओं को, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो तो हो सकता है हम केस रजिस्टर कर दें, FIR कर दें। लेकिन हाँ अगर हम क्या कर रहे हैं सबके खिलाफ ही FIR दर्ज कर रहे हैं, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ एट वन गो यानी कि एक ही बार में, एट वन गो मतलब होता है एक बार, ठीक है, तो एक बार में ही अगर हम सबके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, लॉजिक को जो हम लॉजिक दे रहे हैं ना उसकी क्या कर रहा है, अनादर कर रहा है, यानी कि उसकी अवहेलना कर रहा है, यानी कि किस लॉजिक पे, कौन से लॉजिक पे हम सबके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं वो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कहने का मतलब। अब क्या कह रहा है कि एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे रजिस्टर मतलब क्या होता है, रजिस्टर अपना क्या है, नाउन है, सॉरी वर्ब है, तो वर्ब से नया जब सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना तो उसमें ING लगाकर ही स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये अपना क्या बन जाता है, जीरंड, ओके समझ में आई ना बात। अब यहाँ पे FIR अपना क्या है, नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है FIR, इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा, एन लगा, ए और एन में याद रखना कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका लगता है। द पुलिस बिलीव, और पुलिस हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है, याद रखना, तो जो पुलिस है वो बिलीव करती है, तो ये पुलिस प्लूरल है इसी वजह से यहाँ पे क्या लगा, बिलीव, तो हम कहाँ थे कि द पुलिस बिलीव, पुलिस जो है वो भरोसा करती है कि के लिए यहाँ पर डेट आया, मेनी अदर्स, मेनी है ना, तो देखो मेनी के बाद हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसी वजह से यहाँ पे अदर्स हो गया, तो पुलिस जो है ना वो सोच रही है, वो समझ रही है, क्या समझ रही है कि मेनी अदर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, कटिंग अक्रॉस रिलीजियस, देखो कटिंग अक्रॉस मतलब होता है कि पार चले जाना, मान लो कि तुम्हारी क्या है, तुम्हारा जो कोई काम करने का जो क्षमता है कि तुम किसी काम को जो है ना 10 घंटे में कर रहे हो और उस काम को तुम करने में क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्षमता है 10 घंटे करने की और उस काम को तुम 2 घंटे में ही कर दे रहे हो, तो कैसे कर रहे हो, तुम कटिंग अक्रॉस कर रहे हो यानी कि सीमा पार कर दे रहे हो, कटिंग अक्रॉस मतलब होता है कि दहलीज को पार कर देना, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बहुत पुलिस जो भरोसा करती है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सीमा पार कर रहे हैं अपनी रिलीजन्स की, हैड क्रिएटेड, और वही क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है, शत्रुता, दुश्मनी, अच्छा थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन में हाथ ढीला है इसके लिए माफ़ी करना मुझे, तो क्या है कि दुश्मनी फैला रहे हैं, एंड स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है क्या, फैलाना, और वो क्या कर रहे हैं, एक तो दुश्मनी सबके बीच में ला रहे हैं और फैला रहे हैं, क्या फैला रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है भड़काऊ,
वो क्या कर रहे हैं, भड़काऊ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि गलत सूचनाएं दे रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या सीखा, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब होता है गलत सूचना, इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है भड़काऊ, एनिमोसिटी मतलब होता है शत्रुता, कटिंग अक्रॉस मतलब होता है सीमा पार कर देना, यानी कि अपनी औकात से ज़्यादा कर देना, हद पार कर देना, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि पुलिस जो है वो बिलीव करती है, ऐसा पुलिस को लगता है कि बहुत सारे जो है ना वो अपने रिलीजन्स के रिलीजन अपने धर्म से भी आगे बढ़ के क्या कर रहे हैं कि दुश्मनी फैला रहे हैं, और क्या फैला रहे हैं कि भड़काऊ गलत सूचनाएँ फैला रहे हैं। दिस में बी ट्रू इन सम इंस्टांसेज, ये सच हो सकता है कुछ उदाहरणों में, इंस्टांसेज मतलब मैंने ऊपर पढ़ाया था ना उदाहरण, कि ये सच हो सकता है कुछ उदाहरण में। देखो सम आया ना, तो सम के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, सॉरी अगर नाउन काउंटेबल होना तो वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। बट क्लबिंग ऑफ सेवरल सच इंस्टांसेज, लेकिन अगर हम जोड़ते हैं, क्लब मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेज होते हों जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि भड़काऊ इन्फॉर्मेशन देते हों, दुश्मनी फैलाते हों, लेकिन सारे जो इंस्टांसेज है, सारे जो उदाहरण हैं, उन सबको एक साथ जोड़ देना कि हाँ भैया जो भी देश में दंगा फसाद हो रहा है उसका एक ही रीज़न है, वो तो गलत बात है। ऑफ सेवरल सच इंस्टांसेज इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूटिंग देम सेपरेटली गिव्स द इम्प्रेशन डैट दिज इमिनेट फ्रॉम अ जनरल कल्चर ऑफ द हेट एंड इनटॉलरेंस। क्या करें, देखो चीज़ों को समझते हैं कि पुलिस समझती है ना कि अगर कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो क्या हो रही हैं, वो दुश्मनी और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए हो रही हैं। लेकिन देखो कुछ घटनाओं में ये सच है कि हाँ भैया कुछ घटनाओं में ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जहाँ पे लोग अपने धर्म को छोड़ के इन सारी चीज़ों में पड़ेंगे, लेकिन सारी घटनाओं को इन्हीं सारी चीज़ों से जोड़ के देखना कि अगर कोई घटनाएँ हो रही हैं तो वो एनिमोसिटी और इन्फ्लेमेटरी इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए ही की जा रही है, वो गलत है ना, और इनको जोड़ना भी गलत है। क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और मुकदमा दायर करना चाहिए, है ना, अलग अलग उदाहरणों में। जैसे क्या कर रहा है कि मान लो कि कोई अलग अलग उदाहरण हुए, अलग अलग दंगे फसाद हुए, अलग अलग कमेंटबाजी हुई, अलग अलग रिमार्क्स हुए, तो सारे रिमार्क्स पे, सारे टिप्पणियों पे, सारी घटनाओं पे हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और मुकदमा दायर करना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ कर देख रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर ही किया जा रहा है। समझ में आई कि नहीं बात, इतना समझाने के बाद मेरी समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। गिव्स द इम्प्रेशन, और ये क्या करती है, छाप देती है। कौन सी छाप देती है, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक छाप देती है कि दिज इमनेट, ये जो है उत्पन्न हो रहा है, ये जो है उत्पन्न हो रहा है, ऐसी चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं फ्रॉम अ जनरल कल्चर, एक साधारण से कल्चर को, जिस कल्चर का नाम हमने दे दिया हेट, यानी कि हेट एंड इनटॉलरेंस, यानी कि असहनशीलता, सहनशीलता, यानी कि देखो हमने क्या किया कि हमने ना तो सेपरेट इन्वेस्टिगेशन किया, ना ही सेपरेट मुकदमा दर्ज किया, और ये सारी चीज़ें कहाँ से निकाल के दे रही है कि हम इस पर एक छाप छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना तो इससे एक छाप निकल के आ रही है कि ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि एक जनरल कल्चर बन गया है कि हेट का और इनटॉलरेंस का, एंड 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 इनलेस साइकिल ऑफ टिट फॉर टैट रिलीजियस इंसल्ट्स, और टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसा, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक इंडियन साइकिल बन गई है, यानी कि एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि अगर तुमने हमारे धर्म को इंसल्ट किया तो हम तुम्हारे धर्म को इंसल्ट करेंगे, यानी कि टीट फॉर टैट करेंगे, यानी कि अगर हमारे रिलीजियंस को रिलीजियस इंसल्ट तुमने किया तो अब तुम्हारे रिलीजन को हम इंसल्ट करेंगे। एक्चुअली मतलब अगर देखा जाए तो सम ऑफ दिस कुड बी विलफुल ट्रांसग्रेशन, विलफुल मतलब होता है कि अपना जानबूझकर, ठीक है, विलफुल मतलब होता है जानबूझकर, और ट्रांसग्रेशन मतलब होता है उल्लंघन, ठीक है। तो कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है कि कुछ केसेज में क्या है, जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है किस चीज़ का, लॉ का, कानून का, एम्ड एट, और इस उल्लंघन का एम्ड क्या है, आखिर लक्ष्य क्या है, कि ये जो उल्लंघन किया जा रहा है ना उसका लक्ष्य ये है, एट क्रिएटिंग डिसहार्मोनी, यानी कि क्या है,
ये क्या चाहते हैं, मतभेद फैलाना चाहते हैं, मतभेद। एंड इंसाइटिंग, इंसाइटिंग मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, यानी कि उसको उत्तेजित करना। वायलेंस, वायलेंस मतलब क्या होता है अपना, वायलेंस मतलब होता है अपना उपद्रव बोल दो, ठीक है, उपद्रव। फॉर पॉलिटिकल पर्पस यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक से, राजनीतिक इसका कुछ ना कुछ एम होता होगा और इसी सारी चीज़ों से क्या किया जा रहा है कि कुछ कुछ मामलों में जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। अब हम चीज़ों को पूरा समझते हैं कि पूरा मैटर क्या है। देखो क्या हुआ कि प्रोफेट पर रिमार्क किया गया यानी कि मोहम्मद पैगंबर पर रिमार्क किया गया, टिप्पणी की गई और दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर हम सबको क्या करें, प्रोसिक्यूट करें, सब पर मुकदमा दायर करें, लीगल एक्शन लें, है ना, ऑफेंसिव रिमार्क्स यानी कि अगर सारे लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे, टिप्पणी कर ही रहे हैं और सबके ऊपर हम लोग क्या करें, मुकदमा दायर करें, तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल ऑफेंस है, जो मतलब जो सच में जानबूझकर जिससे प्रॉब्लम हो सकती है, वो ओरिजिनल अपराध क्या हो गया, वो तो उसको क्या होगा, सज़ा मिल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर सारी टिप्पणियों पर, सारे रिमार्क्स पर अगर हम FIR दर्ज कराने लगे, सबको जेल भेजने लगे ना, तो जो उन सब के पीछे हैं वो कैसे उसको सज़ा मिलेगी, वो तो हो ही नहीं पाएगा। अब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन हुआ, किसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ 30 लोगों के खिलाफ में, है ना, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी किया था, है ना, जो कि क्या हुआ था, उस टिप्पणी ने क्या किया था, हर्ट किया था यानी कि परेशान किया था, दुख पहुंचाया था रिलीजियस भावनाओं को, और वो जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो अननेसेसरी अटैम्प्ट है, है ना, और वो अटैम्प्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि एक आर्टिफिशियल बनावटी संतुलन बनाया जा सके, किसके बीच में, कि भैया स्पेसिफिक इंस्टांस है ना, क्योंकि ये जो इंस्टांस है ना प्रोफेट के ऊपर जो टिप्पणी दी गई, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार किया जाता है, ये एक स्पेसिफिक इंस्टांस है ना, और ये हाल फिलहाल में किया गया था। और इसके साथ साथ क्या है कि बहुत सारे ओपिनियंस दिए जाते हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, तो दोनों के बीच में क्या हो रहे हैं, संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है ना, संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। अब क्या है कि जो BJP है ना, उन्होंने एक तो अपने स्पोक पर्सन नूपुर शर्मा और दिल्ली मीडिया यूनिट नवीन जिंदल के खिलाफ में क्या किया, एक्शन लिया। कब एक्शन लिया, जब पूरा ग्लोबली क्या हुआ, मुस्लिम ने आक्रोश दिखाया उनके टिप्पणी के खिलाफ में, तब उन्होंने ये एक्शन लिया। ओके, अब ये मतलब डाउट नहीं है इसमें कि BJP क्या कर रही है कि बहुत दिनों से क्या कर रही है, माइनॉरिटीज के वो नीचा दिखाने की कोशिश की कर रही है, और इसी को लेते हुए इन दोनों ने भी ऐसा किया होगा, क्योंकि BJP ऐसा करते आ रही है मतलब एडिटोरियल के अकॉर्डिंग में। ओके, स्पेशली जो है BJP जो किसको टारगेट करती है, मुस्लिम को टारगेट करती है, और उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दिल्ली पुलिस जो है ना, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रजिस्टर कर दिया है FIR किसके खिलाफ, मिस्टर जिंदाल, इनके 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 के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, एक तो मिस्टर जिंदाल के खिलाफ में और 30 अदर सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ में। अब ये तर्क दे सकते हैं जो दिल्ली पुलिस वाले हैं ना, अगर FIR दर्ज किया है तो ये तर्क दे सकते हैं कि अगर हम कोई भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं केस के अगेंस्ट में, ठीक है, तो ये क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, जानबूझकर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन, जिनके खिलाफ में दिल्ली पुलिस FIR कर रही है, तो वो ये तर्क दे सकती है ना कि वो लोग जानबूझ के क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, आक्रोश फैला रहे हैं, है ना, रिलीजियस सेंटिमेंट को, रिलीजियस भावनाओं को क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो गलत भावनाओं को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, हालांकि अगर हम क्या करेंगे कि सबके खिलाफ ही केस रजिस्टर कर लेंगे, जैसा कि इनके खिलाफ, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ, इनके खिलाफ हुआ एक ही बार में, तो ये क्या करते हैं कि इस लॉजिक को क्या करते हैं कि इस लॉजिक को ये क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी यहाँ पे मिल के उल्लंघन कर रहे होंगे रिलीजियस फीलिंग्स को, तो एक ही बार में सबके अगेंस्ट में ही FIR दर्ज कर लेना, इस लॉजिक को क्या कर रहा है, डिफाइज कर रहा है, मतलब अवहेलना कर रहा है। अब जो पुलिस है वो भरोसा करती है, उसे ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो रिलीजियंस के, अपने धर्म के ऊपर भी जाके बातें कर रहे हैं और दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और भड़काऊ गलत सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, हो सकता है कि कुछ जगहों पे, कुछ उदाहरणों में ये सच हो कि लोग सच में ऐसा कर रहे हो, लेकिन
सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ कर देखना, कहीं पे कुछ भी हो तो उसे धर्म के आधार पर जोड़ के देखना, वो तो सही नहीं है, है ना। अब क्या कर रहा है कि अगर हम सारी चीज़ों को धर्म के आधार पर देख के जोड़ कर देखते हैं ना, तो ये एक छाप छोड़ती है जो कि उत्पन्न होती है कि हमने एक जनरल कल्चर बना दिया है कि इंडिया में कुछ भी हो ना तो हम उसे हेट और इनटॉलरेंस का नाम दे सकते हैं, और एक ऐसा इनलेस और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इनलेस साइकिल बन गई है ना। यानी कि एक रिलीजन दूसरे को चोट पहुँचा रहा है तो दूसरा रिलीजन भी पहले को बोल रहा है कि हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन क्या है कि कुछ केसेज में जो है ना कि जानबूझकर लोग हो सकता है कि उल्लंघन करते हों लॉ का, है ना, जो कि उल्लंघन इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सकते हैं, डिसहारमोनी फैला सके। डिसहारमोनी मतलब होता है शत्रुता फैला सके, मतभेद फैला सकें और क्या उत्पन्न सके, पॉलिटिकल वायलेंस उत्पन्न कर सके फॉर पॉलिटिकल पर्पस। कह रहा है कि पॉलिटिकल अगर पर्पस से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जानबूझकर उल्लंघन कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में मतभेद बना रहे और हमारा फायदा भी बना रहे। ठीक है, अब चीज़ों को समझते हैं। विलफुल मतलब होता है जानबूझकर, ट्रांसग्रेशन मतलब होता है उल्लंघन, इनटॉलरेंस मतलब होता है असहनशीलता, ठीक है, डिसहारमोनी मतलब होता है अपना मतभेद, टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसे, इमनेंट मतलब होता है उत्पन्न होना, क्लबिंग मतलब होता है जोड़ना, इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है भड़काऊ, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब होता है गलत सूचना, एनिमोसिटी मतलब होता है शत्रुता, वन गो मतलब होता है एक बार में, आउटरेज मतलब होता है उल्लंघन करना, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर, ओके, इंसाइटिंग मतलब होता है क्या, भड़काना, इलविल मतलब होता है गलत भावना, जस्टिफिकेशन मतलब होता है तर्क देना, ओके, विलीफाई मतलब होता है नीचा दिखाना, गाली देना, आउटरेज मतलब होता है आक्रोश, फॉलोइंग मतलब होता है के बाद, स्पोक्स पर्सन मतलब होता है प्रवक्ता, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, बैलेंस मतलब होता है संतुलन, एलिजली मतलब होता है कथित तौर पर, प्रोसिक्यूट मतलब होता है अपना मुकदमा दायर करना, ऑफेंस मतलब होता है अपराध, ऑफेंसिव मतलब होता है अपमानजनक, प्रोसिक्यूशन मतलब होता है लीगल एक्शन लेना, ओमनिवर्स मतलब होता है सर्वत्र, इक्विवेलेंस मतलब होता है सामान्य, प्रोफेट मतलब होता है मोहम्मद, ठीक है, रिमार्क्स मतलब होता है अपना टिप्पणी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मिस्टर ओवैसी हैज़ क्वेश्चन, मिस्टर जो है ओवैसी जो है ना, उन्होंने सवाल उठाया है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ केस अगेंस्ट हिम, यानी कि उनके अगेंस्ट में जो केस दर्ज किया गया ना उसके अगेंस्ट में उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, सवाल उठाया है। उन्होंने मेंटेन करते हुए दैट दिल्ली पुलिस आर डिस्प्लेइंग बोथ साइडेज में ड्यू टू देयर फियर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग द फॉर्मर बीजेपी फंक्शनरीज इन आइसोलेशन। क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे मेंटेनिंग मतलब होता है कहना, ठीक है, मतलब ये मेंटेन करते हुए, ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, इसको क्वेश्चन किया कि दिल्ली पुलिस जो है ना वो डिस्प्ले कर रही है, दिखा रही है बोथ साइडेज में। साइडेज मतलब क्या होता है, बोथ साइडेज मतलब को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो फॉल्स बैलेंस है ना, फॉल्स बैलेंस यानी कि झूठा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। कौन? दिल्ली पुलिस, यानी कि मिस्टर ओवैसी कह रहे हैं ना कि तुमने मेरे खिलाफ क्या किया, केस दर्ज किया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो है ना वो क्या कर रही है, फॉल्स बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देयर फियर किसके लिए लगा है, दिल्ली पुलिस, उनको ये डर है ना, उनके पास एक डर है और प्रोसिक्यूटिंग यानी कि मुकदमा दायर करने का उनको डर है ना, कि हमको मुकदमा दायर करना पड़ेगा किसके खिलाफ में, द फॉर्मर बीजेपी फंक्शनरीज यानी कि जो पहले के बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना उनके खिलाफ में भी हमें क्या करना पड़ेगा, केस दायर करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है कि ये सारा झूठा खेल खेल रही है, सबको एक ही बार में FIR दर्ज कर, यानी कि क्या कर रहा है कि जो कि क्या है, अभी ये जो बीजेपी फंक्शनरीज है ना, बहुत सारे बीजेपी की कार्यकर्ता है ना जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, आइसोलेशन बोले तो अकेलापन में, है ना, अकेलापन बोले तो चार दीवारी के अंदर उनको अकेले रखा गया। देखो चीज़ों के अब वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते होंगे पब्लिक प्लेस में, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस ने गवर्नमेंट ने उन्हें क्या किया, आइसोलेशन में डाल दिया, यानी कि उनका कनेक्टिविटी ही बंद कर दी। तो वही कह रहे हैं मिस्टर ओवैसी कि दिल्ली पुलिस को डर है ना कि वो जो बीजेपी के फंक्शनरीज हैं जिनको आइसोलेशन में डाला गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी क्या करना पड़ेगा, मुकदमा दायर करना पड़ जाएगा। इसीलिए क्या कर रही है कि दिल्ली पुलिस जो है ना फॉल्स बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अब आगे पढ़ते हैं।
परशुइंग ऑल दिस रिमार्क्स इन अ सिंगल प्रोम। अब देखो परशुइंग मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है, पीछा करना। अब पीछा करना क्या है, अपना वर्ब है। अब वर्ब से जब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है, आईएनजी लगा कर, ठीक है। तो अगर हम सारी टिप्पणियों को पीछा करें यानी कि सारी टिप्पणियों को खंगालें इन अ सिंगल प्रोब एक ही जांच में, यानी कि अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ बोला होगा, अब सारे टिप्पणियों को हम एक ही जांच में क्या करें, उसकी जांच पड़ताल करें, एंड ट्रायल वुड मीन, और उनका क्या करें, ट्रायल करें, ट्रायल बोलूँ तो यहाँ पे मुकदमा, ठीक है, और हम क्या करें, मुकदमा करें, तो इसका मतलब ये होगा डैट मटेरियल मस्ट बी गैदर्ड, कि जो मटेरियल है ना, मटेरियल बोले तो जो मुकदमा होगा, मुकदमा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको प्रूफ चाहिए, कुछ ना कुछ आधार चाहिए, तो वही यहाँ पे मटेरियल मतलब आधार, तो जो आधार है ना उसको क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है फ्रॉम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, यानी कि उनके खिलाफ में क्या किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्या किया गया है, प्रूफ इकट्ठा किए गए हैं। देखो क्या कह रहा है कि अगर हम सारे रिमार्क्स को परस्यू करें, पीछा करें, उनकी जांच पड़ताल करें एक ही प्रोब में, एक ही जांच पड़ताल में, और मुकदमा दायर करें, इसका मतलब ये होगा कि हमें आधार ढूंढना होगा, बहुत सारे आधार इकट्ठे करने होंगे। कहाँ से इकट्ठे करने होंगे, कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें खंगालने होंगे उनके अगेंस्ट में, यानी कि सबके सबके प्रोफाइल ढूंढने होंगे, सबके सबके देखने होंगे कि किसने किसने क्या क्या बोला, लीडिंग टू अ प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल, और ये क्या लीड कर सकती हैं, मतलब यहाँ पे वजह है ना, वजह, और इसे ये वजह बन सकती है, किस चीज़ की वजह, एक लंबा मुकदमा का वजह बन सकती है, यानी कि ये जो मुकदमा होगा ना ये बहुत सालों तक चलेगा, ऐसा हो सकता है, प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर सारी टिप्पणियों को हम क्या करें, कि सारी टिप्पणियों के एक ही प्रोब में हम सोचें, एक ही जांच पड़ताल करें, एक ही मुकदमा एक ही बार सोचें कि मुकदमा दायर करना है, तो हमें सारी टिप्पणियों के जांच पड़ताल करने होंगे, सोशल मीडिया खंगालने होंगे, और क्या होगा, इससे ये वजह बन जाएगी कि ये जो ट्रायल होगी ना, ये जो मुकदमा होगा ना, वो बहुत ही लंबा चलेगा। अब क्या कह रहे हैं, द टैक्टिक, ये जो तरीका है ना, कौन सा तरीका, ऑफ पुटिंग, तो देखो यहाँ पे पुटिंग स्पिन ऑन, पुटिंग पार्ट ऑफ लार्ज स्पिन ऑन का मतलब होता है कि कोई अगर स्टोरी है, कोई अगर कहानी है, कहानी यहाँ पे बोले तो कोई ऐसा मुद्दा है, उस मुद्दे को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये अपना इसका पूरा मतलब होता है। तो क्या कह रहे हैं कि एक टैक्टिक जो क्या क्या करती है कि अपने फायदे के लिए चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर रखती है, स्पेसिफिक ऑफेंस यानी कि किसी खास ऑफेंस में, किसी खास अपराध में एक ऐसा तरीका यूज किया जाता है जहां पर अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, इज़ नॉट न्यू, ये क्या है, नया नहीं है। क्या कह रहा है, ऐसा कोई नई बात इसमें नहीं है। अब क्या कह रहे हैं, द भीमा कोरे गांव केस, एक केस है जिसका नाम है भीमा कोरे गांव केस, वाज ट्रांसमोग्रीफाइड, ट्रांसमोग्रीफाइड मतलब होता है बदलना, तो एक केस है जिसका नाम है भीमा केस, उसको क्या किया गया था, ट्रांसमोग्रीफाइड कर दिया गया था, यानी कि बदल दिया गया था, किस चीज़ में, इनटू अ परपोर्टेड कंस्पिरेसी टू, तो परपोर्टेड मतलब होता है फिर से कथित तौर पर, है ना, और कंस्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, षड्यंत्र, ठीक है, तो इसको बदल दिया गया था एक कथित षड्यंत्र के रूप में, टू फॉर्मेंट, फॉर्मेंट मतलब होता है भड़काना, उकसाना, जो कि हमने फिर से पढ़ा था इनसाइट, इनसाइट मतलब भड़काना उकसाना, फॉर्मेंट मतलब भड़काना या फिर उकसाना, ठीक है, तो भड़काने के लिए, क्या भड़काने के लिए, मोइस्ट इंसरेक्शन, यानी मोइस्ट मतलब होता है वादी, ठीक है, और इंसरेक्शन मतलब होता है अपना विरोध, है ना, इंसरेक्शन मतलब क्या होता है, विद्रोह,
विद्रोह या फिर विरोध है ना। तो क्या हुआ था कि भीमा कोरेगांव जो केस हुआ था ना उसको बदल दिया गया था एक षड्यंत्र के रूप में। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उकसाया जा सके, क्या जो मोइस्ट है ना उसके विद्रोह को क्या किया जाए, उकसाया जा सके, इसके लिए इसको इसको ही पूरा बदल दिया गया। इन द आफ्टर मैथ ऑफ, आफ्टर मैथ मतलब होता है के बाद में, ठीक है, के बाद में, के बाद है ना। तो किसके बाद में ऐसी चीज़ें की गई, ऑफ द ईस्ट दिल्ली राइट्स, यानी कि ईस्ट दिल्ली में जो दंगे फसाद हुए थे ना उसके बाद में इस केस को बदल दिया गया था ताकि जो है मोइस्ट जो क्या है और भी ज़्यादा विरोध कर सके। कम्युनल वायलेंस जो हुआ था, जाति प्रथा को जो लेके, जातिवादी को जो लेके जो उद्रव हुआ था, जो विद्रोह हुआ था ना, वाज लिंक्ड विद द सिटीजनशिप, और वो जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, देखो यहाँ पे दिल्ली राइट्स में क्या क्या हुआ था उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुआ था जिसको जोड़ा गया था किस चीज़ से, सिटीजनशिप से, सिटीजनशिप एक्ट प्रोटेस्ट से, है ना। तो ईस्ट दिल्ली में एक राइट्स हुआ था जिसको क्या बोला गया था, कम्युनल वायलेंस, जिसको जोड़ा गया था सिटीजनशिप एक्ट प्रोटेस्ट से कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिटीजनशिप के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसी के बाद क्या किया गया कि ये जो भीमा कोरेगांव केस है ना इसको चेंज कर दिया गया था एक षड्यंत्र के रूप में। इफ़ द आइडिया वाज टू ओपन अप द लार्जर फील्ड ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट इन दोज केसेस, अगर हम क्या कर सकते हैं, क्या करें कि इफ़ द आइडिया वाज, अगर इसका उद्देश्य ये था कि हम क्या करें, ओपन अप करें, ओपन अप मतलब करें अवेलेबल कराएँ, है ना, क्या अवेलेबल कराएँ कि लार्जर फील्ड, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र प्रोवाइड करा है जहाँ पे क्या करें पॉलिटिकल डिसेंट हो, मतभेद हो, यानी कि ये सारी चीज़ें क्यों की गई, ताकि पॉलिटिकल मतभेद हो सके, पॉलिटिकली मतभेद दिखाया जा सके इन सारे केसेस में। द स्ट्रेटजी नाउ सीम, अब जो स्ट्रेटजी है ना वो ये पता चलती है कि अब लोगों की स्ट्रेटजी ये हो गई है कि टू ड्रैग दोज हु मेड वोकल रिस्पॉन्स इन टू द क्रिमिनल एम्बिट सो डैट द ओरिजिनल ऑफेंस appears dilated and becomes difficult to prosecute। देखो अब आया यहाँ पे मजा, क्या कर रहा है कि अगर ये आइडिया था ना कि हम क्या करें पॉलिटिकल डिसेंट फैला सके, मतभेद फैला सके उन केसेस में, अब जो उस टाइम ये देखा गया था ना कि हम चीज़ों को अवेलेबल कर सके ताकि पॉलिटिकल डिसेंट हो इन दो केसेस में जहाँ पे कि बदला गया है ना, चीज़ों को बदल दिया गया, तो उसका रीज़न ये था कि पॉलिटिकली हम लोग मतभेद बनाना चाहते थे। लेकिन अभी जो स्ट्रेटजी लोगों को बताई जा रही है ना कि अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो हम खींचना चाहते हैं, ड्रैग मतलब होता है खींचना, हम खींचना चाहते हैं कि किसको खींचना चाहते हैं, दोज उनको जिन्होंने क्या किया है वोकली, यानी कि वोकली रिस्पॉन्स किया है, वोकल मतलब हो गया बहुत ही ज़ोर शोर से, आप बोलो ज़ोर शोर से, तो जिन्होंने क्या किया है बहुत ही ज़ोर शोर से क्या किया है रिस्पॉन्स दिया है, उनको हम सारी चीज़ों में खींचें इन टू द क्रिमिनल एम्बिट, और उनको हम लोग किस चीज़ के अंदर लेकर आए, क्रिमिनल एम्बिट के अंदर लेकर आए, बोले तो सीमा, ठीक है, एम्बिट बोले तो सीमा, क्या कह रहा है कि अभी जो हम चाह रहे हैं ना, अभी जो ये सारी चीज़ें हो रही है ये इसलिए हो रही हैं कि सब चाहते हैं कि हम उनको खींचे इन सारी चीज़ों में जिन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से रिस्पॉन्स दिया था, और उनको हम क्रिमिनल सीमा के अंदर लेकर आए कि इन्होंने क्या किया है क्रिमिनली रूप से काम किया है, सो डैट ताकि द ओरिजिनल ऑफेंस, जो ओरिजिनल यानी कि जिन्होंने सच में गलती की है ना, उनको क्या किया जा सके, डाइल्यूट किया जा सके, और डाइल्यूट मतलब क्या होता है, कमज़ोर करना, डाइल्यूट मतलब होता है कमज़ोर करना, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब होता है कि जिन्होंने भी वोकल रिस्पॉन्स दिया, वोकल रिस्पॉन्स मतलब जोर शोर से उन्होंने टिक्का टिप्पणी की या फिर कुछ भी बोला ना, तो सबको खींच कर लेकर आया जा रहा है क्रिमिनल सीमा के अंदर कि तुम लोग क्या हो, क्रिमिनल हो, ताकि जिन्होंने एक्चुअल में गलती की है, जो सच में मतभेद फैलाना चाह रहे हैं, जो सच में लोगों के बीच में आक्रोश पैदा कर रहे हैं ना, उनको क्या किया जा सके, उनकी केस को कमज़ोर किया जा सके, एंड बिकम, और वो क्या हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने में। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जो एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, शुड परस्यू लीगल एक्शन, उनको क्या करना चाहिए, वैध एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक के खिलाफ जिन्होंने भी कोई गलत काम किया है, इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर, और किस मैनर में वो होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए उनका, अगर वो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं
एक समान होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब होता है समानुपातिक, यानी कि समान होना चाहिए, ठीक है। और वो जो एक्शन होना चाहिए ना, एक समान होना चाहिए। एंड नॉट थ्रू ओमनीबस ओमनीबस प्रोसिक्यूशन, और ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सबको ही पकड़ के जेल में डाल दो, सबको ही पकड़ के FIR कर दो, जस्ट टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ बींग बैलेंस, बस ये दिखाने के लिए ना कि हम क्या हैं, संतुलित हैं, यानी कि हम दोनों के खिलाफ में एक्शन ले रहे हैं, बस ये दिखाने के लिए तुम सबको जेल में ना ठूस दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा वोकैब पढ़ते हैं कि वोकैब क्या है। देखो हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अब याद करते हैं अपना वोकैब, ठीक है। मेंटेनिंग मत याद करो, ये याद कर मत करो। आइसोलेशन मतलब होता है अकेलापन। परस्यूइंग मतलब होता है पीछा करना। प्रोब मतलब होता है जांच। ट्रायल मतलब होता है मुकदमा। लीडिंग, लीडिंग मतलब फिर से वो यही होता है पीछा करना या फिर लीड करना, है ना। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा। टैक्टिक मतलब होता है, और टैक्टिक मतलब होता है ना कि कोई आप टैक्टिक लगा रहे हो, यानी कि कोई आप ट्रिक्स लगा रहे हो, है ना। इसके बाद अपना हो गया, ये याद मत करो, ये कभी नहीं आएगा। इसके बाद होता है ट्रांसमोग्रिफाइड, मतलब होता है चेंज कर देना, बदल देना। कॉन्स्पिरेशन मतलब होता है षड्यंत्र। फॉर्मेंट मतलब होता है भड़काऊ। इंसर्रेक्शन मतलब होता है विद्रोह करना। इंसर्रेक्शन मतलब होता है विद्रोह करना। ये सारी चीज़ें हम फिर से इधर पढ़ेंगे, ठीक है। इंसर्रेक्शन मतलब होता है विद्रोह करना। आफ्टर मतलब होता है परिणाम के बाद में। डिसेंट मतलब होता है मतभेद। एम्बिट मतलब होता है सीमा। वोकल मतलब होता है जोर शोर से, है ना। इसके बाद ड्रैग मतलब खींचना। डाइल्यूटेड मतलब कमजोर करना। प्रोपोर्शनेट मतलब समान, इक्वल। ओके अब चलो हम लोग यहाँ से याद करते हैं कि हमें कितना याद हुआ। ओके हमारे पास अभी कितने हैं, 61 है। 61 में हमें कितना याद हुआ वो देखते हैं। बताओ इक्विवेलेंस सबसे पहला हमने पढ़ा था। इक्विवेलेंस इक्वल्स बनाए। इक्विवेलेंस ये हो गया अपना बराबर। प्रोफर्ट मतलब होता है पैगंबर, ये तो तुम्हें अब तक याद हो गया होगा। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। ओमनीबस ये भी याद हो गया होगा। सर्वत्र प्रोसिक्यूशन अभियोग, लीगल एक्शन लेना। ऑफेंसिव मतलब होता है अपमानजनक, ये भी याद हो गया होगा अब तुम्हें अब तक। इसके बाद होता है ऑफेंस। ऑफेंस मतलब होता है अपराध। प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाना। एलिगली मतलब होता है कथित तौर पे। सेंटीमेंट मतलब होता है भावना। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी। बैलेंस मतलब होता है संतुलन। बताओ तुम्हें कितना याद हुआ, है ना। इंस्टेंस इंस्टेंस मतलब होता है घटनाएं। स्पोक्समैन प्रवक्ता। फॉलोइंग मतलब के बाद में। आउटरेज मतलब होता है आक्रोश। आक्रोश फंक्शनलिज मतलब होता है कार्यकर्ता। बिलीफाई मतलब होता है गाली देना। जस्टिफिकेशन मतलब होता है तर्क देना। डेलिब्रेट मतलब होता है सोचा समझा। आउटरेज मतलब होता है भंग करना, उल्लंघन करना। इनसाइट मतलब होता है भड़काना। इल विल मतलब होता है गलत भावना। एट वन को मतलब होता है एक बार में। डिफाई डिफाई मतलब क्या होता है, अवहेलना करना। कॉट एक्रस मतलब परे जाना। एनिमोसिटी मतलब होता है बैर, दुश्मनी। इन्फ्लेमेटरी मतलब होता है भड़काऊ। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब होता है गलत सूचना। क्लब मतलब होता है जोड़ना। इम्प्रेशन मतलब होता है छाप। इमिनेंट मतलब होता है उत्पन्न होना, ये इंपॉर्टेंट है। या इनटॉलरेंस मतलब होता है असहनीयता, यानी कि हम सह नहीं सकते हैं। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसा। विलफुल मतलब होता है जानबूझकर। ट्रांसग्रेशन मतलब होता है उल्लंघन। इसके बाद अपना क्या आया, डिसहार्मोनी। डिसहार्मोनी मतलब होता है मतभेद। मेंटेन मतलब होता है कहना। इसके बाद होता है आइसोलेशन मतलब होता है अकेलापन। परस्यू मतलब होता है पीछा करना। प्रो मतलब होता है जांच पड़ताल। ट्रायल मतलब होता है मुकदमा। लीड मतलब होता है वजह बनना, कारण बनना। प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा। प्लॉट मतलब होता है षड्यंत्र। पुट और स्पिन इसको याद मत करो। इसके बाद होता है अपना ट्रांसमोग्रिफाई मतलब होता है चेंज करना। परपोर्टेड कथित तौर पर। कंस्पिरेशन षड्यंत्र। फॉर्मेट मतलब भड़काऊ उकसाना। मोइस्ट मोइस्ट मतलब होता है माओवादी। इंसर्रेक्शन मतलब होता है विद्रोह। इन द आफ्टर मैथ मतलब के परिणाम स्वरूप। ओपन मतलब होता है बिकम प्रेजेंट, यानी कि अवेलेबल होना। डिसेंट मतलब होता है मतभेद। ड्रैग टू मतलब होता है घसीट लेना। वोकल वोकल मतलब होता है मुखर। मुखर मतलब जोर शोर से। एम्बिट मतलब होता है सीमा। डेल्यूट मतलब होता है कमजोर करना। और प्रोपोर्शनेट मतलब होता है अपना समान, इक्वल। अब बताओ 61 में से तुम्हें कितना याद हुआ, ठीक है। 61 में से तुम्हें कितना याद हुआ ये मुझे बताना कमेंट करके, और मैं कैसा पढ़ाती हूँ ये भी आप लोग ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट।